गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एबीवीडी क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर फोर लेकर आया हूं, जिसका सॉल्यूशन दिखलाएंगे आपको कि थ्री इस टर्म को एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस सी इक्वल जीरो एंड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एबीसी। कैसे एबीसी का वैल्यू इंडिकेट किया जाता है, देखिए। नाउ कम टू द पॉइंट, देख सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ 3x प्लस 5y इक्वल 7.5। तो पहला क्वेश्चन में हम चलता हूं, 3x प्लस 5y इक्वल 7.5। सबसे पहले इसमें दिया हुआ डेसिमल, तो डेसिमल को हमें रिमूव करना होगा, तो डेसिमल को रिमूव करके दिखलाते हैं आपको। तो हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू, अगर डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल रिमूव होगा कुछ इस तरीके से, और डेसिमल के बाद जितना अगर डिजिट आता उतना जीरो। तो देख सकते हैं एक डिजिट आ रहा थे, 10 लिख दिए। तो 3x प्लस 5y इक्वल 75/10। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 15 3 जा कर सकते हैं 75। तो यहां पर इतना तो बन गया। अब देख सकते हो सिंपल, 3x प्लस 5y इक्वल 15/2, इतना प्राप्त हो गया। देख सकते हैं इतना प्राप्त होने के बाद क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन। तो लिख सकते हैं यहां पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय टू बोथ साइड मल्टीप्लाई टू से करते हैं। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x में क्या से मल्टीप्लाई करना है, टू से, प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 15 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देख सकते हैं यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बना क्या 6x, 3 टू जा 6x, 5 टू जा 10y इक्वल 15 बना, यहां पर देख सकते हो। लेकिन हमें गेन करना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। देखिए तो इस टर्म में हमें बना लेना है उसको, तो 6x प्लस 10y, ये 15 उधर है तो इधर ला सकते हैं ना इक्वल टू से अंदर, तो ला सकते हैं। तो ये प्लस में है तो आ जाएगा, इधर तो माइनस में हो जाएगा। आप देखिए तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया ना, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब लिख सकते हैं यहां पर abc का वैल्यू आसानी से आप गेन कर सकते हैं, 6x प्लस 10y माइनस 15 इक्वल 0। देख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं हेयर लिख सकते हो, a इक्वल क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं क्योंकि a हो गया, देखिए यहां पर एक वैल्यू। b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, by है तो देखिए यहां पर 10y है तो यहां पर 10 लिख सकते हैं, और c का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पर माइनस 15 है तो लिख सकते हैं c का वैल्यू माइनस 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको हम बतलाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन 2x माइनस y बाय 5 प्लस 6 इक्वल 0। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 5 से हम दोनों टर्म में क्या कर सकते हैं, ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखेंगे ऑन बोथ साइड सॉल्यूशन, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 5 बोथ साइड, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का बाद, 2x इंटू 5 माइनस y बाय 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5 इक्वल 0 इंटू 5। देखिए तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा 5 टू जा 10x माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा y बचा, प्लस 6 5 जा 30 इक्वल 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 आएंगे। तो यहां पर से निकल सकता है यार, कर सकते हो यार, a इक्वल क्या है 10 आया, b इक्वल क्या प्राप्त हो रहा है हमें, यहां पर b के इक्वल माइनस 1 क्योंकि कुछ नहीं तो 1 रहता है तो माइनस 1, और c इक्वल क्या कर सकते हैं 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, तो थर्ड देख सकते हैं यहां पे, थर्ड सेकंड तो सोल्व हो गया, थर्ड देखिए, थर्ड का क्या दिया हुआ, 3y
माइनस टू एक्स इक्वल सिक्स, यहां पर गिन सकते हो। देखिए तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये फॉर्म में है। देखिए करके दिखलाते हैं, थ्री थ्री वाई यहां पर अरेंज करके थोड़ा दिखा देते हैं, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, अरेंज करके लिख रहे हैं, प्लस थ्री वाई हो जाएगा, और ये वाला सिक्स जो इधर ला सकते हैं, तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा सिक्स इक्वल जीरो। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो यहां पर लिख सकते हैं हेयर, हेयर लिख सकते हो, ए इक्वल कितना दिया हुआ माइनस टू, बी इक्वल क्या लिख सकते हैं थ्री, और सी इक्वल क्या लिख सकते हैं सिक्स लिख सकते हैं माइनस सिक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ इज गिवन हियर, लिख सकते क्वेश्चन फोर्थ में, क्वेश्चन आपका फोर्थ, देखिए यहां पर क्वेश्चन फोर है, फोर एक्स इक्वल फाइव वाई, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर क्वेश्चन, इसको क्या कर सकते हैं सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं, फोर एक्स इस टर्म को इधर ला सकते हैं ना, तो आ जाएगा फाइव वाई इक्वल जीरो। अब देख सकते हो यहाँ पर फोर एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल जीरो, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो ना, ये फॉर्म में आ गया, लिख सकते हैं यहां पर लिखेगा हेयर, हेयर लिख सकते हैं ए इक्वल फोर, बी इक्वल यहां पर माइनस फाइव है, फाइव वाई है तो फाइव हो जाएगा, और सी इक्वल तो कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर फोर्थ का। उसकी तरह से देख सकते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आर गिवेन एक्स बाय फाइव माइनस वाई बाय सिक्स इक्वल वन, और देख सकते हैं इसको सॉल्यूशंस क्या होगा, सॉल्यूशंस कर सकते हैं, सॉल्यूशन करके दिखलाते हैं, सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एलसीएम ले लेना, सिक्स फाइव जा थर्टी एलसीएम आ जाएगा हमारा। एलसीएम लेने पर देखिए तो फाइव से अगर इसको करेंगे तो सिक्स आएगा, तो सिक्स एक्स हो जाएंगे, इसके बाद देख सकते हैं फाइव आ जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा तो फाइव आएगा, तो क्या लिख सकते हैं फाइव वाई इक्वल वन, ये टर्म प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर वन पुट करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, तो आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल, यहां पर क्या आ जाएगा देख सकते हो वन से मल्टीप्लाई हो तो थर्टी ही आ जाएगा, तो इस टर्म को अंदर लाते हैं सिक्स एक्स माइनस फाइव वाई माइनस थर्टी इक्वल जीरो। क्यों आया माइनस में, क्योंकि इक्वल टू से अंदर आया तो ये पहले प्लस में था, अब ये माइनस में हो गया अंदर आने पर, तो अब हम कह सकते हैं हेयर, हेयर चल सकते हैं, ए इक्वल सिक्स होंगे क्योंकि यहां पर देखिए इस फॉर्म में आ गया, ए इक्वल सिक्स, बी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस फाइव, और सी इक्वल माइनस थर्टी, ये टर्म्स हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब देख सकते हो सिक्स नंबर क्वेश्चन, आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट टू एक्स, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल फाइव। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आर गिवन है, रूट टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल फाइव दिया हुआ। सबसे पहले हम इस टर्म को इस टर्म में लाएंगे, बनाएंगे सॉल्यूशंस करते हैं, टू एक्स रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, अब लिख सकते हैं यार, तो यार क्या कर सकते हैं, हेयर ए इक्वल रूट टू लिख सकते हैं, बी इक्वल रूट थ्री कर सकते हैं, और सी इक्वल माइनस फाइव कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन।